पर फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बहुत ही बेहतरीन सबसे मिलाने के लिए आया हूँ आपको। ये हमारे साथ पोस्टेड थे चेन्नई में एज एक्साइज इंस्पेक्टर और आज इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि अभी एक्साइज इंस्पेक्टर अपने होम टाउन में ज्वाइन करने जा रहे हैं। 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर बनकर चेन्नई ज्वाइन किए थे और 2020 से अपने AIR 300 ले आके होम टाउन जा रहे हैं रांची जोन में। तो चलिए अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर हमें इन्वाइट करने के लिए। आपको क्या इन्वाइट करना है आपको हमारे अपने तो अपने बारे में कुछ बताइए आप दर्शकों को हमारे। यार बेसिकली मैं बिहार से बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ बिहार से। और मेरी स्कूलिंग हुई है भाई हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से। मैंने हाई स्कूल से अपना टेस्ट किया। मेरे स्टीम कॉलेज से मैंने IIT और फिर केमिस्ट्री ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं पटना चला गया था पढ़ने के लिए और मैंने पहले एक साल बैंकिंग की तैयारी किया। बैंकिंग की तैयारी करने के दौरान मुझे पता चला यार मैं बैंकिंग के लिए नहीं आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया फिजियल के लिए। मैंने फिजियल का अटेंड करना शुरू किया उससे ही उससे मैं करा था और यूट्यूब चैनल एक वीडियो पड़े हुए थे उससे तैयारी मैंने शुरू किया। फिर लगभग फिजियल 19 से फ्री देने के बाद मैं घर चला आया और लॉकडाउन आ गया था। घर से ही मैंने मेन्स का प्रिपरेशन पूरा किया। मैंने मेन्स में मैथ में अमीना सर का टेस्ट किया और उससे मैंने फिजियल लाइन की तैयारी किया। उसके बाद फिर मुझे यार टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे दोस्त मिले तब पंडित चैनल बनते हुए वहाँ से हम लोग दोस्त ने मिलकर प्रिपेयर किया और 2019 में जो प्रिपेयर मैंने किया था तो 20 में काफ़ी रश मिला। अच्छा 20 में ज़्यादा रश था। आप बस एक बार अपना 2019 का स्कोर 2020 का स्कोर दोनों बता सकते हैं। 2019 में मेरा स्कोर था फ्री में आई थिंक 150 था जो बड़ा 159 मेरा फ्री में। और एक नौकरी रिजाइन करने वाले आज ही रिजाइन करिए यहाँ से और आज रिलीव हो रहे हैं और कल जाके मंडे को जाके अपने होम टाउन में ज्वाइन करेंगे। तो आपको कैसे लगा कि आपको ये सीजन की तैयारी करनी है? सीजन का सबसे पहले जब घर से बाहर निकले थे यार तो घर पे उतना कोई पढ़े लिखे है नहीं तो बस बोले थे कि जाओ बैंक पियो या इनकम टैक्स का तैयारी करना। तो मैं गया यार वहाँ पढ़ने के लिए तो बस कुछ नहीं बस ऐसे गया और एक बैंकिंग प्लान पढ़ना वहाँ एडमिशन ले गया। फिर वहाँ मतलब बैंकिंग में पहले मैं कुछ नहीं पढ़ा हो पर मुझे दो तीन दोस्त मिले जो बताया कि सीजन काफ़ी अच्छा लगा मैनुफैक्चर बन सकते हो ये बन सकते हो तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मतलब आजकल बच्चे बड़ा मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा तो उनके क्या कहना चाहेंगे? फिर मोटिवेशन बनाना है तुम्हें अंदर से आना चाहिए भाई। जैसे मेरा ये था ना मैं फॉर्म सब भरता था मेरा पहला जॉब था MTS मैंने क्वालिफाई किया था MTS 19 साल जिसमें मुझे इनकम टैक्स नंबर मिला था। अच्छा वो मैंने ज्वाइन नहीं किया सिर्फ मेरे करियर में सिर्फ मेरा सीजल 18 जो था ना वही मेरा फ्री क्लियर नहीं हुआ था एक नंबर पर। उसके बाद सीजल 19 मेरा क्लियर हुआ था 239 नंबर था बट मैंने उसका टाइमिंग स्किप कर दिया। सीजल 20 में मेरा आई थिंक टॉप 20 और इंडिया रैंक टॉप 20 होगा बट मैंने उसका TVS स्किप कर दिया। अच्छा बिकॉज मैं सीजल 19 में तो बाहर हो जाएगा तो मतलब बस ऐसे ही चला। ऐसा नहीं है कि जॉब खराब कर रहे हैं इससे पहले बहुत सारे जॉब छोड़ भी चुके हैं दूसरों के लिए। तो ये आप ट्रेनिंग करके आए तो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए कैसा रहा ट्रेनिंग का टाइम होता कैसा है? तो भाई जितना भी सीजन में जॉब है भाई जितना भी ट्रेनिंग होता है सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वाली साइंस होती है पता है। बिकॉज अगर कोई भी अगर एक साइंस की वीडियो देख रहा है या पहले है तो समझ सकते हैं मेरी बात। तो ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना भाई वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होता है। मतलब ट्रेनिंग में यार तुम बहुत सारे दोस्त मिलेंगे तो सिंपल भाई जैसे अगर सिलेक्शन लेकर तुम आते हो अभी तुम जो भी नए बच्चे हैं फेसबुक पर देखते हो भाई किशन कुमार गुप्ता एक साइंस पेपर है इनसे पूछता मेहनत करके बट यार अगर तुम ये क्रैक करते हो ना एकदम भाई जैसे मेरे फोन में कम से कम भाई 400 इंपेक्ट उसके नंबर होंगे और आज इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर एक में मेरा दोस्त है। तो और बेसिकली अपने मतलब पूछा था मोटिवेशन के बारे में तो मैं वो स्किप कर दिया था। मोटिवेशन जो होता है ना तुम्हारे अंदर से आना चाहिए भाई। अगर तुम्हारे पास गाड़ी बंगला या ये सब भाई तो शायद तुम भी बेसिकली जो भी एक नाम की प्रिपरेशन करता है यार वो मिडिल क्लास रहता है। मेरे पापा एक भाई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे यार तो और मुझे करना था यार बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आपको बता रहा जब भी मैं पढ़ता था यार तो एनी टाइम मुझे कह रहा था कि क्रैक करना भाई बिकॉज यार आपको उतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती है
और आप मतलब रोड पे चलते हो भाई तो देखते हो यार वो जीप बाइक से जा रहा भाई, वो आईफोन से सेल्फी ले रहा भाई, तो ये सब थोड़ा होता है लेकिन अंदर रहता है लाइफ चेंज करने के लिए भाई, और वो एक इनर मोटिवेशन रहता है ना भाई, वो आपके अंदर से आएगा, आपको जिंदा यही करना पड़ेगा। मेरा ये था ना कि मैं कभी बैंक का फॉर्म नहीं भरा, मेरे माइंड में था एंड टाइम मुझे भी करना है, करना तो करना है दिन रात भाई। आप लोग कई लोग बोलते हैं सर सेव अप स्कोर क्या है भाई, एग्जाम को तुम बस ये टारगेट लेकर चलो ना यार, एकदम टॉप करना है, अच्छे रैंक लाना है, तभी जो हर चीज तुम्हें मिल पाएगा यार। मेरा 20 तो मेरा 20 था भाई, मेरा 20 में प्रिपेयर काफी बढ़िया था मेरा, हमें बहुत लोग जानते होंगे यार, मतलब मेरे दोस्त लोग भी होंगे, 20 में मैं ट्राई कर रहा था मेरे टॉप 50 मार्क्स आ जाए, मेन्स मेरा फिलहाल उतना अच्छा नहीं हो पाया, बट फिर भी जो मुझे ड्रीम कोर्स चाहिए था वो मिल गया। मतलब जैसे 20 में ये था ना, जैसे 19 का डिग्री और 20 का डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ, 19 के डिग्री में मैंने सारा भरा था, मैंने 20 के बाद बता था यार अब मुझे ये पोस्ट मिलेगा वो पोस्ट मिलेगा, लेकिन भाई 20 में मैंने सिर्फ दो पोस्ट भरा, एक साइंस इंस्पेक्टर सेकंड डी है और एक साइंस इंस्पेक्टर में मेरी कैटेगरी रैंक आई थिंक 13 थी, मैं भारत के नक्शे में जहाँ हाल हो जाता वो मिल जाता मैं, चाहे दिल्ली जयपुर कहीं। ये तैयारी होनी चाहिए आपके लेवल की, मतलब कि ऐसा तैयारी हो कि बस बस हाथ रखना हो भारत नक्शे में, मुझे यहाँ पोस्टिंग चाहिए तो वहाँ मिलनी चाहिए। अच्छा अंकित भाई, कि अभी सिंगल 22 पे चल रहा है, 7 तारीख तक चलेगा, 7 बार खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे हैं कि कह रहे हैं मेरा सब भी अच्छा नहीं हुआ था, मेरी सी बैलेंस अच्छी नहीं है, 2023 में कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए इनको। देखो भाई जो बीच गया तो बात नहीं भाई, ठीक है, सीरियल 22 का मेन खत्म हो चुका है, जिन लोग का बढ़िया गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोग का नहीं गया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और जो लोग नए बच्चे हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने किसान का चैनल है ये काफ़ी अभी मेहनत कर रहा है, चैनल पर नए नए कॉन्टेंट्स ला रहा है, तो आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हम लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है, और दूसरी मैं अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, मैंने MBA से निकाल रखा है, BA पर अच्छा रैंक ला चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें उसमें आपको कैसे कर रखना है, तो आप इसके चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और अभी मैं उन लोगों को बेसिकली फोकस करना चाहूँगा जो लोग अभी डिप्रेस है कि भाई मेरा डीजल बाइक का मेंस खराब कर रहा है, सिंपल भाई देखो यार ये ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम सपोज यार अगर बाहर से यार मान चलो बालू उठा कर लाए वो गिर गया तो वापस हाथ में नहीं आ सकता, बट ये यार जो तुम पढ़ते हो ना मेहनत करते हो हमेशा माइंड में रहता है, जो तुम 22 मेहनत किए हो भाई, सिंपल भाई जो बच्चा 23 में न्यू आ रहा है उससे तुम पहले ही ऊपर हो, तो ये मत सोचो यार मेरा 22 का मेंस खराब हो गया भाई तो मैं क्यों नहीं हूँ यार, ठीक है, तो यार 22 का मेंस तुमने तैयारी किया है और भले खराब गया बट कुछ ना कुछ सीखो यार, तो एक बाद में काम आएगा, तो 23 में भी काफी वैकेंसी आने वाली है, तो बस जुड़े रहो चैनल के साथ भाई, ये काफी मेहनत कर रहा है तो नए नए आपको स्ट्रेटजी बताता रहेगा, और मैं यहाँ पर तो मुझे अभी शेयर करने के लिए। अंकित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जरा कि आप लोग अंकित से मिल लिए, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इनके साथ करने के लिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले आए ट्रेनिंग से वापस, आज ये जा भी रहे हैं तो हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले सारे एग्जाम्स और जो भी मेरी एक साइंस मेकर की लाइफ स्टाइल होती है और जो भी स्ट्रेटजी जो भी डाउट्स होते हैं मैं सारे क्लियर करता हूँ आपको, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ ना कुछ आपको फायदा कहीं ना कहीं देगा, अगर आपका माइंड मेंस खराब हुआ है तो आप 23 में अच्छा करेंगे, अगर आप नए आए हैं तो फिर और भी अच्छी बात है, नया पैटर्न है, आपका दिमाग फ्रेश है, आप आराम से कर लेंगे। चैनल को फॉलो करते रहिए, जय हिंद।